44 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो ट्रक है वो पूरे तरीके से एक नाले में जा गिरा है, और किस तरीके से कल रात का 1:30 बजे का ये जो है वाक्य बताया जा रहा है, और किस तरीके से इसके अंदर कबाड़ का सारा सामान लोडेड था, और रात को ये जो है साइड मारने से बताया जा रहा है कि एक बस आ रही थी रोडवेज की, वो साइड मारती है जिससे ये जो है साइड में नाले में जा गिरता है। आप इस वक्त तस्वीरें दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से देख रहे हैं, और किस तरीके से आप देख सकते हैं सारा जो सामान है वो नीचे गिर जाता है नाले में, साइड मारने से ट्रक जो है जा गिरता है, और उसके अंदर एक ड्राइवर मौजूद बताया जा रहा है। किस तरीके से गनीमत रहती है कि जान जरूर बच जाती है, और बताया जाता है होटल हरियाणा की तरफ से ये ट्रक आ रहा था और मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की ओर जा रहा था, और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ट्रक है जिसके अंदर इतना सारा कबाड़ का सामान लोडेड था होटल हरियाणा की तरफ से आ रहा था, साइड मार देने से ये जो है साइड के नाले में जो हाईवे के पास स्थित है वहाँ पे पूरे तरीके से जा गिरता है, सारा सामान बिखर जाता है। कल देर रात 1:30 बजे जो है ये भारी सड़क हादसा हो जाता है इसके अंदर, हालांकि सिर्फ एक ही ड्राइवर मौजूद था, गनीमत रहती है जान बच जाती है, थोड़ी बहुत चोटें आती हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है क्रेन बुलवाई जाएगी, सारा सामान जो है इकट्ठे करते नजर आ रहे हैं यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं, और किस तरीके से उसके बाद इसको बाहर निकलवाया जाएगा क्रेन की मदद से। रात देर रात 1:30 बजे का ये जो है वाक्य बताया जा रहा है। किस तरीके से मैं बताना चाहूंगी कि एक रोडवेज की बस जो है वो साइड से आ रही थी, काफी स्पीड में थी, और ट्रक जो है वो अपनी स्पीड में चल रहा था, और किस तरीके से वो साइड मार देती है जिसके बाद ये जो है इसका बैलेंस बिगड़ता है, उसके बाद ये जो है नाले में जा गिरती है। लोग मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर कैसे हुआ ये हादसा। एक बस थी मैम, वोल्वो बस, उसने साइड मारी है, उससे ड्राइवर अनबैलेंस हो गया, वो गाड़ी इधर आगे गिर गई। तो जो बस थी ज्यादा स्पीड में थी जी, वो जी। और इसमें कितने लोग मौजूद थे ट्रक में? सिर्फ ड्राइवर था ये। हालांकि सेफ है वो? बिल्कुल सेफ। चोटें वगैरह आई थी? हल्की चोट आई है, वो 112 आ गई ना रात में, तो वो उनको ले गए, दवाई वगैरह करा दी, फर्स्ट एड दे दिया जी। किस वक्त का बताया जा रहा है ये एक्सीडेंट? 1:30 बजे का। 1:30 बजे का। क्या सामान क्या लोडेड है इसमें? ये कबाड़ है। किस तरफ से आ रही थी गाड़ी? होटल हरियाणा से। और कहाँ जा रही थी? मंडी गोविंदगढ़। हालांकि पुलिस को सूचना दे दी गई होगी? जी जी जी। अभी ड्राइवर कहाँ पे हैं फिलहाल पे? ड्राइवर जी कुछ खाने के लिए गए हैं। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा सड़क हादसा रात के 1:30 बजे का बताया जा रहा है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक जो है वोल्वो गाड़ी आती है और वो जो है फुल स्पीड में बताई जा रही है ट्रक को साइड मार देती है, जिसके बाद जो ट्रक है वो साइड के नाले में जा गिरता है, उसके अंदर बहुत सारा जो है कबाड़ का सामान था जो सारा का सारा बिखर जाता है। क्रेन को बुलवाया जाएगा क्योंकि देर रात का ये हादसा, हालांकि डायल 112 मौके पर जरूर थी और फर्स्ट एड ड्राइवर को दे दिया गया। हालांकि गनीमत रहती कि इतने बुरी तरीके से नाले में ट्रक जो है वो जा गिरता है, सारा सामान बिखर जाता है, लेकिन बड़ी ही कहीं ना कहीं रहमत है, गनीमत है कि जो ड्राइवर है उनकी जान बच जाती है। डायल 112 मौके पर आती है, फर्स्ट एड उनको दे देती है, अभी सारे साथी जो है उनके मौके पर पहुंचे और सामान जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। आप ड्राइवर थे, कैसे हुआ सर ये हादसा? ये हादसा एक वोल्वो वाले की वजह से हुआ था। कैसे? मैं फुटपाथ साइड को चल रहा था, तो बीच साइड में से वो ओवरटेक करके अपनी साइड फुटपाथ साइड दबाई उसने, जैसे दबाई एकदम जो तो ब्रेक भी मार दी उसने, मतलब ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, वो कर रहा था साइड मारने से। वो ओवरटेक तो कर लिया उसने, लेकिन ब्रेक मारना उसका गलत था, तो मैंने उसको पीछे जाके ठोक दिया, इसलिए तो मैंने इधर काट दी गाड़ी। ये जो डिवाइडर है वहाँ से ही गाड़ी खिंचती हुई आ रही है इसमें, और यहाँ पे आके कोने पे जब पहिया लगा था अनबैलेंस हो गई गाड़ी। तो हालांकि कोई चोट वोट तो नहीं आई, सुरक्षित है? ये हाथ थोड़ी बहुत खरोचे आई हैं, ये टूटा पड़ा है, ये हाथ टूटा है, ज्यादा आई है मतलब चोट आपको। तो कहाँ से आ रही थी गाड़ी, कहाँ से लेके आ रहे थे? होटल हरियाणा से। और कहाँ जा रहे थे? पंजाब। तो क्या कुछ सामान लोडेड था इसमें? स्क्रैप था। आप अकेले थे इसमें? अकेला। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से ये उसमें मौजूद थे, हालांकि बता रहे कि हाथ टूट गया, चोटें ज्यादा आई हैं। आप खुद ही एक बार अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से साइड मारने से गाड़ी थोड़ी देर तक जो है घसीटती रहती है, उसके बाद वो आके सीधा जो है नाले में गिर जाती है। नेशनल हाईवे से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और सारा जो सामान बताया जा रहा है इसमें कबाड़ का लोडेड था वो सारा बिखर जाता है। हालांकि इस वक्त जो है मजदूर वगैरह पहुंचे हुए जो कि सामान निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्रेन बुलवाई जाएगी, उसके बाद ट्रक को बाहर निकलवाया जाएगा। होटल हरियाणा की तरफ से गाड़ी आ रही थी और पंजाब मंडी गोविंद
अलीगढ़ को जा रही थी और आप सोच सकते हैं कि गनीमत रहती है, कितनी बड़ी राहत की खबर जरूर है कि कहीं ना कहीं जान बच जाती है। हालांकि छोटी मोटी घसीटें आई हैं, डायल 112 मौके पर पहुंच गई थी। अब फिलहाल क्रेन को बुलवाया जा रहा है, क्रेन आएगी मौके पर, अभी आएगी जब ये माल खाली हो जाएगा उसके बाद। किस वक्त हुआ सर ये हादसा? ये समथिंग 12:30-1 के आसपास, कल रात को। बस वाला रुका नहीं आपके पास? है जी, बस वाले रुक के नहीं देखा? नहीं, वो तो चला ही गया सीधा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे गिर गया तो पीछे से ये कार वाले थे, उसमें चार लोग थे, उन्होंने चार लोगों ने फोन किया 112 पर और 112 एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे आई थी। तो जब ट्रक गिरा तो आप अंदर थे, तो निकलना मुश्किल रहा होगा, आप कैसे निकले बाहर? वो तो देखो जी, कैसे कहते हैं, हारे का सहारा, बस ऊपर वाले की कृपा है जो मैं बच गया, बाकी मुझे किसी ने नहीं निकाला, मैं खुद निकल के आया। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से अगर जो है गाड़ी पलटी होगी तो ड्राइवर अंदर था, और किस तरीके से पूरी गाड़ी नाले में गिरती है, टेढ़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं निकलना मुश्किल रहा होगा। फिर भी गनीमत रहती है, जान बचाती है। हालांकि छोटी मोटी खरोचे जरूर आई है, लेकिन इसमें गलती कहीं ना कहीं उस बस वाले की रहती है, जो वोल्वो बस आ रही थी, तेज स्पीड में बताई जा रही है, साइड मारती है, ओवरटेक करने की कोशिश करती है, देर रात को 12:30-1 का बताया जा रहा है। अक्सर आए दिन इस तरीके की खबरें हम आपको हादसों की करनाल ब्रेकिंग न्यूज से दिखाते हैं, किस तरीके से देर रात को जब हाईवे होते हैं तो लोग बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, खास तौर पे जो भारी वाहन होते हैं, और फिर वो ओवरटेक भी करते हैं, साइड भी मारते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के जो हादसे हैं वो घट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कम से कम उतर के देखना चाहिए था, लेकिन किस तरीके से पीछे से एक गाड़ी में चार लोग मौजूद थे जो इस तरीके से ट्रक को गिरा हुआ देखते हैं और ड्राइवर की मदद करने के लिए रुकते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं, डायल 112 को कॉल करते हैं, तो कुछ जिम्मेवार नागरिक भी होते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से एक बार अपील करना चाहूंगी कि जब भी आप देर रात को या दिन में भी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड को थोड़ा नियंत्रण में रखें और साइड मारने की या ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, बिकॉज उसकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे घट जाते हैं। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।